सांपों से इंसान का पाला अक्सर पड़ता रहता है। कभी जंगल झाड़ियों में तो कभी कंक्रीट के घरों में सांप देखे जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, मगर जो होते हैं वे बहुत ही खतरनाक होते हैं। भारत में एक से एक जहरीले सांप मौजूद हैं, जो डस ले तो कुछ मिनटों में ही मौत हो जाए। हाल में सोशल मीडिया के लिए सांप पकड़ने के वीडियो बनाने का ट्रेंड भी चला हुआ है। बिना यह जाने कि खतरा कितना बड़ा है, सांपों से दूरी ही ठीक है। करैत, कोबरा, रसेल वाइपर जैसे कई सांप हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि डसते ही धड़कनें बंद कर देती हैं। फन उठाकर खड़े किंग कोबरा को देखकर बड़े बड़े दूर से ही भाग खड़े होते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 5.5 मीटर तक हो सकती है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर तक फन उठा सकता है। किंग कोबरा से बाकी सांप भी बचकर निकलते हैं, क्योंकि यह उन्हें भी खा जाता है। किंग कोबरा की गिनती भारत ही नहीं दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अपने शिकार को मारने के लिए किंग कोबरा को डसने की जरूरत नहीं है। यह 2 मीटर दूर से ही जहर फेंककर शिकार को अंधा कर सकता है। आमतौर पर घने जंगलों, ठंडे दलदलों, बांस और रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। करैत सांप गांवों और जंगलों में खूब निकलता है। देश में इंसानों को सबसे ज़्यादा यही सांप काटता है। इसके जहर में ऐसे न्यूरोटॉक्सिन होते हैं कि शरीर काम करना बंद कर देता है। 45 मिनट के भीतर इंसान की मौत हो जाती है। रसेल्स वाइपर सांप भारत में हर जगह पाया जाता है। किसी और की सांप के मुकाबले में इसी ने सबसे ज़्यादा भारतीयों की जान ली है। यह डसने से पहले जोर से फुफकारता है। इसकी बाइट से एक हीमोटॉक्सिन रिलीज होता है, जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पंगु कर देता है। रसेल वाइपर काटे तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तेज दर्द उठता है और दिमाग में हेमरेज हो जाता है। बिना एंटीवेनम 45 मिनट के भीतर मौत हो जाती है। रसेल वाइपर रात में खूब सक्रिय रहता है, जो इसे इंसानों के लिए और खतरनाक बनाता है। स्केल्ड वाइपर, देखने में तो स्केल्ड वाइपर बेहद छोटा होता है, मगर जहरीला बहुत है। इसकी बड़ी बड़ी आँखें, गर्दन से चौड़ा सिर बाकी सांपों से अलग बनाते हैं। आमतौर पर रेतीले, चट्टानी और नर मिट्टी वाले इलाकों में पाया जाने वाला यह सांप 2.6 फीट से ज़्यादा लंबा नहीं होता। यह भारत के 4 सबसे जहरीले सांप में सबसे छोटा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी सांप के काटने से लोग मरते हैं। इसका एंटीवेनम उपलब्ध है, इसके बावजूद मृत्यु दर 20% है, यानी हर 5 में से एक शिकार की मौत हो जाती है। इंडियन कोबरा, भारत में कई तरह के कोबरा पाए जाते हैं, मगर सबसे आम नाग है। सर्पदंश के अधिकतर मामले इसी के आते हैं। इसका फन इसे आकर्षक बनाता है। यह 7 फीट तक लंबा हो सकते हैं और पूरे भारत में पाए जाते हैं। नाक के काटने से 2 घंटे के भीतर इंसान की मौत हो सकती है। नाक का जहर शरीर को सुन्न कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है।